और ये जो हम बैठे हैं ना छाता के नीचे, देख रहे कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा ना कि हम लगता है विदेश में आ गए, वैसा हमको फील हो रहा है। मैं जाने के लिए सोचे तो है, तो ये देखिए गाइज यही है यहाँ पे का पूल। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ताज में जाकर खूब फोकस मार रही है, लेकिन तो अभी हम ताज के हैं, पीछे वाले गेट के बैक गेट है ये, और ये खुलता नहीं है। खुलता क्यों नहीं है ये हम रीज़न बताएंगे आपको। और ये हमारा जाने का गेट है, और वो जो गेट है वो हमारा आने का गेट है। अब बताते हैं कि खुलता क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि खुलता ही नहीं है, खुलता है, बट ऐसा कुछ ओकेज़न फंक्शन टाइप होता है तब खुलता है। हम आपको लेके चलेंगे, सामने एक हॉल है, वहाँ मतलब शादी ब्याह वगैरह होता है, या इतना बड़ा हॉल है कि वहाँ एक बार में 2,000 से 3,000 रुक सकते हैं, उस टाइम ये गेट खुलता है। ऐसे कभी नहीं खुलता, ऐसे अगर आपको आना रहेगा तो आप सामने वाले गेट से नहीं आएंगे, पीछे वाले गेट से नहीं आएंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ का शादी वाला हॉल में, चलिए गाइस। तो यहाँ से हम लोग सीधे घुसते हैं अंदर। अंदर जो हॉल है वहाँ शादी होता है, बड़ा बड़ा पार्टी होता है, जो भी बड़ा बड़ा पार्टी हो गया, शादी हो गया, वहाँ इतना बड़ा बड़ा हॉल है ना कि वहाँ 2,000-4,000 लोग रुक सकते हैं। तो अभी हम लोग जाते हैं अंदर, और अंदर का आप लोग का दिखाते हैं कि अंदर में आखिर कितना बड़ा हॉल है, फिर मीटिंग्स वगैरह होता है, बड़े बड़े पार्टी होती है, जो भी होता है फंक्शन, तो वो हमारा सारा कुछ अंदर ही होता है। और ये जो हॉल है ये हमारा मतलब अंडरग्राउंड है। तो अब सीधे गाइज आप लोग को लेकर चलते हैं, और ये इसका गेट है, गेट भी देखने में लग रहा है कि एकदम बाहुबली वाला गेट। और अंदर घुसते ही इतना प्यारा प्यारा सा फ्लावर्स था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आप लोग को क्या बताया। और ये पहला गेट था, और ये है इसका सेकंड गेट, जो हम आप लोग यहाँ से अंदर का व्यू दिखाएंगे। तो यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो अंदर पता नहीं शायद शादी का पूरा डेकोरेट वगैरह हो रहा था, कि शायद रिपेयर हो रहा था, कुछ हो रहा था, हमको उतना पता नहीं। बट ये वीडियो में ना आपको छोटा दिख रहा है, बट ये इतना छोटा था नहीं, यह बहुत बड़ा हॉल था, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा हॉल था। ऐसा नीचे ना 2-3 हॉल था, तो हम बस एक ही हॉल में गए गाइस। गाइस तो अभी हम जहाँ पे आए हैं यहाँ पे ना, यहाँ शादी वादी होता है, देख रहे हैं आप लोग जैसा काम चल रहा है यहाँ पे, पीछे शायद अभी बन रहा है यहाँ, या किसी का शादी हो रहा है, उसका डेकोरेशन हो रहा है, ये हमको भी इतना अच्छा से पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, पीछे से बहुत आवाज़ भी आ रहा है, तभी हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज ये जो हम लोग गए थे, ये आप लोग को जैसा बताया कि अंडरग्राउंड था, तो ये था ऊपर जाने का सीढ़ी, तो ऊपर जाकर अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। गाइज तो अभी हम बताते हैं कि ये जो नीचे है ना, ये पूरा अंडरग्राउंड है, यहाँ शादी होता है, अगर कुछ फंक्शन वगैरह हुआ वो सब हुआ, मतलब बहुत बड़ा है, आपका 3-4 हज़ार लोग यहाँ आराम से जाएंगे। और ये देखिए हम लोग ऊपर है, ऊपर से हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, बट ये जो हम लोग हॉल वगैरह देखे थे वो सारा अंडरग्राउंड है, मतलब यहाँ से हम लोग को नीचे जाना पड़ता है। तो अभी चलिए, अभी हम चलेंगे ऊपर, ऊपर में हम दिखाएंगे कि कैसा है, क्या है, नहीं है, ये तो नीचे था। तो आइए गाइस, सोना वाला सीढ़ी लगा हुआ है, सब देखते हैं। गाइस तो अभी हम आ गए ऊपर, जैसा हम आपको बताए थे कि देखिए ये पूरा अंडरग्राउंड, ये पूरा नीचे है, और यहाँ से हम आ गए ऊपर। और यहाँ पे ना कुछ बियर वगैरह बनता है, क्या बनता है हमको भी उतना अच्छा से पता नहीं। तो हम आए ऊपर, और ऊपर में दिखाते हैं कि ऊपर में ताज कैसा दिखता है, नहीं दिखता भाई, बहुत ही अच्छा है। हम तो कहेंगे लाइफ में ना एक बार ज़रूरी आना चाहिए। हम तो खुद फर्स्ट टाइम आए, लेकिन पता चलता है यहाँ सिक्योरिटी इतने अच्छा है, इतना अच्छा से वेलकम करते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा है। तो चलिए हम आपको ऊपर घुमाते हैं, कैसा है क्या है, जो भी है सब कुछ रहेगा, हमको जैसा लगेगा हम सब कुछ जेन्युइन बताएंगे, कुछ झूठ नहीं, कुछ दिखावटी नहीं, कुछ बनावटी नहीं। 20,000 दिए तो हम बताएंगे कि सच में उस लायक है या नहीं है। तो गाइज अभी हम आ गए हैं, इधर हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह खाना वाना मिलता है, जो भी है। और ये इसके बाहर का लुक है, देखिए हम लोग पता नहीं वही समय से कोई रूम में हम है रुके हुए, हमको रूम उतना पता भी नहीं है। और बाहर का ये सारा टेबल इतने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, देखिए स्पून वगैरह सारा अच्छे से रखा हुआ है, इवन यहाँ सारे का टेबल पर नंबर लिखा हुआ है, तो ये टेबल नंबर 53 है। और ये देखिए यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है, वो पूल है। तो अभी हम बताते हैं कि हम यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी सोच रहे हैं कुछ फ़ोटोशूट वगैरह कराते हैं। तो ये एरिया आप लोग बैठकर सुबह ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन इस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा धूप आ जाता है, तो इस टाइम कुछ नहीं होता है, बट सुबह में ब्रेकफास्ट हम लोग आज करने हैं। इधर साइड आए हुए भी थे, तो हम लेकर चलते हैं आपको पूल साइड, वहाँ दिखाते हैं कैसा है, क्या है, नहीं है, जो भी है हम सब बताते हैं, जो भी रहेगा, जो हमको फील होगा हम वही बताएंगे।
गाइस तो अभी हम जा रहे हैं पूल के साइड और अभी धूप भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन अभी पूल में ऐसा कोई है भी नहीं। और ये हमारे यह हमारा पूल है यहाँ पे, और ये है भैया। भैया एक कुछ ड्रेस कोड रहता होगा क्या? स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैंडेटरी है। अच्छा, स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैंडेटरी है, मतलब और भी जैसे शॉर्ट्स टी शर्ट में जा सकते हैं? नहीं नहीं, अगर तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं कोई लेकर आया होगा तो यू कैन बाय इन द होटल एंड इन बाय इन द आउटसाइड होटल। ओके, थैंक यू भैया। तो यहाँ पे स्विमिंग में जाने के लिए आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम होना ज़रूरी है, बिना स्विमिंग कॉस्ट्यूम के आप नहीं जा सकते हैं। पैंट शर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं, जहानाबाद या फिर हम लोग का घर है जैसा पोखर तालाब नहीं है गाइस, कुछ पहन के जा सकते हैं। यहाँ बहुत, एक सेकेंड, यहाँ बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं पहन के जा सकते, वो नहीं पहन के जा सकते। और देख रहे हैं पूरा लुक भी दे रहा है एकदम फिल्मी जैसा, एकदम लग रहा ना कि कोई विदेश में आ गया। सब ऐसे भी विदेश के लोग तो इसी पे सोता है क्या, अच्छा लगता है। तो हम अभी बैठकर बताते हैं कि कैसे क्या क्या है। भैया से हम बात की है तो भैया हमको बोले कि आप है ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर आना अलाउ है, ऐसे नहीं। और तब आदमी कहाँ से स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर, और हम तो बिल्कुल ही नहीं लेकर आए थे, हमको दूर दूर तक पता भी नहीं था। लगा था कि हाँ है, होगा यहाँ स्विमिंग पूल, बट उतना हमको कुछ आइडिया नहीं था। अरे जो हम बैठे हैं ना छाता के नीचे, देख रहे कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा ना कि हम लगता है विदेश में आ गए वैसा हमको फील हो रहा है, लेकिन नहीं गाइस विदेश में नहीं आए। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ कुछ शूट करना है तो सारा कुछ हम शूट करते हैं। हम लोग पूल में जाने के लिए सोचे तो है, लेकिन बिना कॉस्ट्यूम के भैया बोल रहे नहीं है जाना, तो देखते हैं कैसे क्या होता है नहीं होता है। अब कॉस्ट्यूम लेने तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, भैया से बात करेंगे उसके बाद जाएंगे। तो ये देखिए गाइज, यही है यहाँ पे का पूल। अभी यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए हम शूट भी कर ले रहे हैं, अगर कोई रहता तो हम नहीं शूट करते, किसी को नहाते हुए थोड़ी दिखा सकते। और ये है हमारा होटल, देखिए उस वाला में रुके हैं, उस वाला में नहीं पीछे वाला में रुके हैं। इधर हम लोग का जो होटल का है ना, जो विंडो से पूल नहीं दिखता है, आप लोग कौन दिखाए होंगे, विंडो से हम लोग का जंगल टाइप दिखता है। और ये देखिए वो चार फीट के जो लोग होंगे वो वहाँ पे रहे, 5 फीट के जो होंगे वो यहाँ पे रहे। और यहाँ पे आप लोग आकर कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग को। तो हम लोग पूल के उस साइड से घूम कर आ चुके हैं, अभी हम लोग हैं पूल के इस साइड। ये होटल तो हम आपको कितना बार 50 बार दिखा दी होंगे। और ये छाता देखिए गाइस, कितना बड़ा बड़ा छाता है ताज में। हमारे यहाँ तो तन्नी को छाता रहता है कि एगो का होगा तो दूगो के नहीं, दूगो अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर दो लोग रहिएगा तो आँख में वो खाएगा, एगो क्या एगो ओढ़ पाएगा। और इतना गर्मी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ताज में जाकर खूब फोकस मार रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ, इतना ज़्यादा गर्मी है कि बता नहीं सकते। मेरा तो हम एक दिन मार्केट चले गए सरोजनी तरफ, मेरा पूरा आँख लहरने लगा, लेकिन आपको वहाँ का भी प्रॉपर व्लॉग देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत गर्मी है गाइज। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा कबूतर भी है, पीछे मेरा पूल दिख रहा होगा, अब देखिए अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब जाएंगे हम, आपको यहाँ का पूल साइड दिखा दिए। और उधर है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब वहाँ पे हम शूट भी नहीं कर पा रहे, लेकिन करेंगे, वो साइड हम लोग शाम में ले लेंगे। और यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा हमारा चेयर्स है, देखिए कितना क्यूट सा चेयर है। और अभी भी दोपहर है, लेकिन सब लोग अभी वहाँ पे हैं। और ये देखिए वहाँ पे ब्लू कलर का सोफ़ा है जो भैया लोग अरेंज कर रहे हैं। यहाँ का ऐसा है ना कि सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब आप कहीं भी जाइएगा तो आपको तुरंत पूछने के लिए आ जाएंगे कि कैसा है क्या है नहीं है। आपको टेबल इतना सा गंदा नहीं दिखेगा, मतलब पूरा नीट एंड क्लीन A to Z चीज़। और यहाँ हर तरह के लोग हैं, मतलब ये तो समझ में आ गया ज़िंदगी में इंग्लिश, भाई इंग्लिश सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ जो कुछ भी कर रहा है, मतलब झाड़ू लगा रहा है या जो भी कर रहा है, जो भी काम हो रहा है, तो वो भी प्रॉपर इंग्लिश में बात करता है, लेकिन ऐसा नहीं है हिंदी में भी बात करता है। है तो खैर हमारा इंडिया ही तो हिंदी, ऐसा थोड़ी है कि हिंदी किसी को आता नहीं, बट इस साइड तो आता है। भैया हम एक बार नॉर्थ का, आपका साउथ गए थे उसका कहानी बताते हैं, हम उधर गए थे गेम खेलने गए थे, मेरा नेशनल था। वहाँ क्या हुआ था ना कि वहाँ किसी को हिंदी नहीं आता था, और हम और मेरा उस टाइम इंग्लिश नहीं आता था, उस टाइम के हमको अभी भी उतना नहीं आता, तो इतना लैंग्वेज में दिक्कत हुआ था क्या ही बताएं। तो हम यहाँ से निकलते, और ये पूल देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम जाते हैं, अब सीधा हम बाहर निकलते हैं, हम लोग को कुछ मार्केट का भी काम है, वो भी करना है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस